बिसम अल्लाम नाजन आप सब ठीक ठाक है खैर खरीद चूँगे ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ जो वो है वो स्कैम हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके अकाउंट से पैसे जो है वो निकल रहे हैं चाहे उनका अलराजी का अकाउंट है चाहे उनका अलहली का अकाउंट है चाहे उनका किसी का भी है तो स्पेशली मैं अलराजी वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपका अलराजी का अकाउंट है तो आपके पैसे जो है वो निकल रहे हैं एक बार निकल गया तो दूसरी बार निकल तो गया तो लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं अगर आपको एक दो मैसेज आ गया है आपको पता चल गया कि आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं और आपने नहीं निकाले पता नहीं किसने निकाले हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि, कि किसी भी बैंक का कार्ड हो अलराजी का कार्ड हो या लहली का कार्ड हो किसी भी बैंक का कार्ड हो भाई साहब आपका सबसे पहले काम यह है कि आपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में आकर अपने उस कार्ड को कार्ड को ब्लॉक करना होता है कोई भी बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होता ना वो बंद होता है आपसे वो बैंक का काम ही होता है आप क्या कर सकते हैं आपके पास एटीएम कार्ड होता है आप उस एटीएम कार्ड को ब्लॉक करते हैं आप उस एटीएम कार्ड को बंद कर देते हैं जितने भी पैसे इंटरनेशनली या किसी भी किसी भी अकाउंट से निकाले जाते हैं चुराए जाते हैं तो वो कैसे निकाले जाते हैं वो एटीएम से निकाले जाते हैं तो सिंपली आपने जो है वो जब भी अपना अकाउंट ओपन करना है अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आपका अगर आपका अलराजी का या लहली का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने ये जो सेटिंग है ना आपकी ये बैलेंस वाली फॉर एग्जाम्पल आपका ये अकाउंट है तो आपने इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपके जो है ये मोर ऑप्शन का आपको ऑप्शन दे रहा है आपने इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद ये देखिए आपकी जो इनेबल ऑनलाइन पेमेंट है ये इनेबल है अगर आपकी ये इनेबल है ज़ाहिर है तभी आपके अकाउंट से पैसे कटे तो आपने ऐसे करके इसको बंद कर देना है समझिए आप यानी जब भी आपके अकाउंट से कोई ऐसा मसा मसला बनता है तो सबसे पहले आके अपने कार्ड को बंद करना है कार्ड आपका यहाँ से बंद होगा आपकी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ से बंद हो जाएगी आपके कार्ड से तो, तो उसके बाद आपका कार्ड जब सिक्योर हो जाता है लेकिन फिर भी आपने अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने अब उस कार्ड को ज़ाया कर दें और नया कार्ड आप एक जनरेट कर लें ठीक है उस कार्ड को आप फेंक दें अलराजी या लली की मशीन पर जाएं वहाँ पर जाकर पैंतीस रुपयल फीस लगेगी आप एक नया कार्ड निकाल लें तो इस तरीके कार्ड से अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं फिर आपको समझाता दूँ आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो अकाउंट होता है उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद मोर का ऑप्शन है मोर पर क्लिक कर लेना है और ये नीचे अनएबल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है ये लॉक डेबिट कार्ड है ये यहाँ से लॉक होता है इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये आपको परचेजिंग का ऑप्शन ये है जब आप इसको आप ये अभी बंद है ये अभी ये जब डिसेबल कर देंगे ना तो कोई भी आपके ऑनलाइन कार्ड से परचेजिंग नहीं कर सकता जब आप अब इसको मैं अनेबल करने लगाऊँ ये अभी ओपन हो गया तो मैं खुद भी परचेजिंग कर सकता हूँ अगर मेरा कार्ड अल्ला ना करे किसी के पास है तो वो भी परचेजिंग कर सकते हैं क्योंकि मेरी ऑनलाइन पेमेंट ओके है सो so, इस तरीके से आप जो है स्कैम से बच सकते हैं उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी सबसे पहला काम आपका यही होता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके अकाउंट से के साथ कोई हेरा फेरी हो रही है तो अपना कार्ड ब्लॉक करें भाई क्योंकि किसी भी बैंक से पैसा ऐसे नहीं निकलता वो एटीएम के ज़रिए ही निकलता है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी थैंक फॉर अल्लाह हाफिज़